राज्यसभा चुनाव से इतना तो तय है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। अब ये नाराजगी है या कुछ और, फिलहाल के लिए ये सस्पेंस है, मगर बीजेपी ऐसे में जरूर एक्टिव मोड में आ गई है। बीजेपी विधायक 28 फरवरी की सुबह सुबह राज्यपाल से मिलने पहुंच गए। मिलने के बाद बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने क्या कहा वो सुनिए। विधानसभा के अंदर चल रहा है, उस सारे घटनाक्रम की जानकारी महामहिम राज्यपाल मोदी जी को हमने दी है, और खास तौर से जिस तरह से विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी ने विपक्ष के साथ व्यवहार किया है और जो रुख अपनाया है, उस संदर्भ में हमने जानकारी दी है। बजट सत्र हिमाचल प्रदेश में आजकल चल रहा है विधानसभा में, और बजट सत्र में जो कट मोशन पर चर्चा होने के बाद जब मंत्री विभाग का उत्तर देते हैं, उसके बाद कट मोशन पर वोटिंग होती है, और वोटिंग के समय अगर वॉइस वोटिंग अपोजिशन वालों को कन्विंसिंग ना लगे तो वहाँ डिवीजन ऑफ वोट जो है वो मांगने का अधिकार है, और हमने उसी के लिए आग्रह किया था। लेकिन दो बार आग्रह करने के बावजूद भी हमारी बात को नहीं सुना गया, हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया, और ऐसी सूरत में जब सारी चीजों को लेकर के हम अध्यक्ष मोदी जी से मिलने के लिए सारे विधायक जा रहे थे तो मार्शल खड़े कर दिए, और मार्शल खड़े करके विधायकों के साथ जो जिस प्रकार से व्यवहार हुआ है, धक्के मुक्के हुई, विधायक घायल हुए हैं, गले से पकड़ लिया विधायकों को मार्शल के माध्यम से, यह आज तक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कभी नहीं हुआ। और उसके बाद जब हम उनको मिलने के लिए उनके ऑफिस में प्रवेश किए तो अध्यक्ष महोदय मुकर जाते हैं, कहते हैं कि हमने तो आदेश किए ही नहीं है, मार्शल किसने लगाए, और जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो बोलते हैं कि हमको स्पीकर साहब के आदेश है। तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। और दूसरी बात, में इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहता हूँ, जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के परिणाम आने के पश्चात, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी थे हर्ष महाजन जी वो जीते हैं, और सरकार बहुत बड़े बहुमत में थी उसके बावजूद भी जीते हैं, और स्वाभाविक रूप से जो जीतने के जो सारी चीज़ें घटनाक्रम जो घटित हुई हैं सब वहाँ पर, उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूँ। और वो अभी जो जानकारी हमने इस संदर्भ में खासतौर से जो घटनाक्रम घटित हुआ पिछले दिनों में, उसके बारे में अपनी जानकारी जो है हमने महामहिम राज्यपाल मोदी जी को दी। सर डिवीजन ऑफ वोट्स होगा सर, आज डिवीजन ऑफ वोट्स होने की, देखिए हमें कई तरह की एप्रिहेंशन है।